पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत असिस्टेंट के रूप में कार्यरत व्यक्ति के लिए कई परेशानियां हो सकती है जो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पंचायत सहायकों की सैलरी सामान्य रूप से कम होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्हित कर सकते हैं। पंचायत सहायकों को सामुदायिक विकास और पंचायती राज के कैरियर का समर्थन देना होता है, जिससे उन्हें समुदायिक के हितों के लिए कार्यशील रहना पड़ता है। इसमें समय की भयंकर मांग होती है और कई बार अधिकाधिक सहायकों को लंबी घंटे काम करने पड़ते हैं। पंचायत सहायकों को सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार किया जा सकता है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहायता करना। पंचायत सहायकों को समय समय पर राजनीतिक दबावन का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकता है। पंचायत सहायकों को सामुदायिक धारा पार काम करके लोगों को समर्पित रहना पड़ता है, जो कभी कभी व्यक्तिगत भी हो सकती है। अधिकारियों और अधिकार के सम्मान में कमी पंचायत सहायकों का अधिकारियों और उनके अधिकारन के प्रति सम्मान की कमी हो सकती है, जो कि कभी कभी उनके काम पर प्रभावित होती है। प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं की कॉम्प्लेक्सिटी पंचायत सहायकों को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं की कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। सामुदायिक समर्थन और योजनाओं की परिपेक्षा इन लोगों की उम्मीदें पंचायत सहायकों पर अधिकाधिक होती है, और यदि योजनाओं की सफलता में कमी होती है तो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही पंचायत सहायकों को अपने समुदाय के प्रति लोक प्रतिनिधित्व और जवाबदेही का भार उठाना पड़ सकता है। यह परेशानियां होत है, लेकिन सामुदायिक विकास के लिए काम करने में पंचायत सहायकों को बड़े सम्मान और महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। उनका कार्य सामुदायिक विकास में सुधार करने और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में बहुत हाई योगदान देता है। पंचायत सहायक का काम गांव के विकास और पंचायती राज की कार्यवाही में मदद करने के लिए होता है। यह उनके जिम्मेदारियों में से कुछ होत है। पंचायत सहायकों को पंचायत के विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में समर्थन देना होता है। इसमें उन्हें पंचायत के अधिकारियों के साथ काम करके योजनाओं का अनुरूप रूप से प्रस्तुत करना होता है। डेटा जुटाना और प्रशासनिक कार्यवाही में मदद करना, जैसे कि जनसंख्या का गणना, सामुदायिक सुविधाओं की स्थिति की जांच और प्रशासनिक रेखों को ध्यान में रखना। पंचायत सहायक को अपने समुदाय के प्रति लोक प्रतिनिधित्व का भार उठाना होता है। वह लोगों के बीच संवाद करते हैं और उनके प्रश्नों का समाधान निकलने में मदद करते हैं। सामुदायिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करना और इम्प्लीमेंट करना। रोजगार योजनाओं की अनुकूलता को ध्यान में रखना और लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करना। जनसंख्या और सामाजिक सुधार की जागरूकता एस्टरिस्क समुदाय के बीच जनसंख्या और सामाजिक सुधार की जागरूकता फैलाना और लोगों को सामाजिक समस्याओं का समाधान निकलने में सहायता करना। न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं में सहायता एस्टरिस्क लोक न्यायालयों और कानूनी प्रक्रियाओं में समुदाय के लिए सहायता करना, जैसे कि कागजात और कार्यवाही जमा करना। पंचायत की प्रशासनिक कार्यों में मदद करना, जैसे कि कागजात तैयार करना, मीटिंग्स का आयोजन करना और रिकॉर्ड्स को सही तरीके से मेंटेन करना। पंचायत सहायकों को अपने काम में समरसता और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ताकि वे सामुदायिक विकास में सक्षम हो सके। उन्हें सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और विकास योजनाओं को सफलता से इम्प्लीमेंट करने के लिए समर्पित रहना चाहिए।